Now, second experiment is vital stain. Vital stain. Vital staining for bar body. Bar body मतलब आपने थ्योरी में पढ़ा होगा बार बॉडी सेक्स क्रोमेटिन को बोलते हैं। ये सेक्स क्रोमेटिन किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है दिस इज ओरल एपिथेलियल सेल। दिस इज ओरल एपिथेलियल सेल। पहले मैं इसकी थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगी। ये है चीफ एपिथेलियल सेल ऑफ सेल्फ। सेल्फ मतलब फिलहाल मैं करके दिखाऊंगी। तो ये मेरा ओरल एपिथेलियल सेल है। ओरल एपिथेलियल सेल ऑफ सेल्फ मेरा है। मतलब यहाँ आप जेनेटिकली साइटोलॉजिकली अगर बात करें तो इनमें क्रोमोसोम क्या होना चाहिए? होना चाहिए XX, बिकॉज आई एम अ फीमेल। फीमेल का क्रोमोसोम जीनोटाइप, फीमेल का जीनोटाइप है XX। और यही अगर मेल का लिया जाए तो जीनोटाइप होगा XY। सेक्स क्रोमेटिन केवल उसी में दिखता है जिसमें कम से कम दो एक्स क्रोमोसोम है। तो नॉर्मल कंडीशन में फीमेल हैज टू एक्स क्रोमोसोम्स, तो जाहिर है फीमेल में एक सेक्स क्रोमेटिन दिख सकता है, दिखेगा। और आपको मालूम है जब सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है किसी इंटरनेशनल इवेंट में या जानना चाहिए एयरपोर्ट्स पर पता करना पड़ता है कि इज द पर्सन इज मेल और फीमेल, तब इस टेस्ट को अप्लाई भी करते हैं। सो इट इज़ फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन कि जो सामने खड़ा है वो व्यक्ति मेल है या फीमेल। अगर परफॉर्म करने के बाद आपको ऐसे न्यूक्लियस के टिप पर डार्क कलर का रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखे, इट इज बार बॉडी और सेक्स क्रोमेटिन। इसे साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया था उन्हीं के नाम पर इसे रखा गया है बार बॉडी, उन्हीं के नाम पर है ये सेक्स क्रोमेटिन कहलाता है। पहले मैं इसे आपको परफॉर्म करके दिखाती हूँ, फिर इसका टेक्स्ट मैंने आपके लिए तैयार किया हुआ है। इसमें भी आप क्या करेंगे, एक स्लाइड लेंगे। अब यहाँ एसिटोकार्मीन का इस्तेमाल हो सकता है, एसिटोकार्मीन के साथ मेथिलीन ब्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट है टू ऑब्जर्व बार बॉडी और सेक्स क्रोमेटिन इन सेल्फ ओरल एपिथेलियल सेल। स्टेन मैं आपको बता दूं, आप एसिटोकार्मीन के साथ मेथिलीन ब्लू भी, अगर एसिटोकार्मीन नहीं है तो मेथिलीन ब्लू इस्तेमाल कीजिए। फिलहाल मेरे पास मेथिलीन ब्लू नहीं है तो मैंने एसिटोकार्मीन को ही इस्तेमाल किया। रिक्वायरमेंट इज एसिटोकार्मीन। कई बुक्स में आपको मेथिलीन ब्लू भी मिलेगा और इसमें इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एसिटोकार्मीन इज अ न्यूक्लियर स्टेन और ये फिर जाके किसे स्टेन करने वाला है, न्यूक्लियस को ही स्टेन करने वाला है। इसमें भी आपको चाहिए स्पिरिट लैम्प, इसमें आपको चाहिए थोड़ा 0.9% सलाइन वाटर, जिसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन, सलाइन फिजियोलॉजिकल
नमक का पार, सिंपल शब्दों में नमक का पार। क्यों? क्योंकि आप ओरल एपिथेलियल सेल को निकाल के जैसे ही स्लाइड के ऊपर रखेंगे सूख जाएगा, तो उसको सूखने से बचाने के लिए, टर्जिडिटी बनाए रखने के लिए हम एक ड्रॉप सलाइन सॉल्यूशन में उसे डालते हैं। कई बुक्स में आपको मिलेगा एक ड्रॉप डिस्टिल वाटर। अगर आपके पास सलाइन सॉल्यूशन नहीं है तो ये लीजिए, डिस्टिल वाटर भी हमने तैयार रखा है। ये है हमारे पास डिस्टिल वाटर, ये भी हमारे पास तैयार है इफ यू वांट। अब इनकी आवश्यकता नहीं है, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। स्पिरिट लैम्प ये हो गया, स्लाइड कवर स्लिप, और क्या चाहिए हमें, स्लाइड चाहिए, कवर स्लिप चाहिए और स्पिरिट लैम्प तो लिख लिया हमने, ओके इतना हो गया। नाउ हाँ, अब बहुत सावधानी से, क्योंकि हम मुंह के अंदर डालने वाले हैं, हमें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो स्टरलाइज्ड। आइसक्रीम की चम्मच बहुत अच्छी है, आइसक्रीम खाते समय एक चम्मच तो हम बचा के रख सकते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए। ये देखिए, ये इसे क्या करना है मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये लिया मैंने और ये स्लाइड के ऊपर ऐसे फैला दिया, और ये जो मेरे पास इस समय मेरे पास डिस्टिल वाटर है, ये मैंने एक ड्रॉप इस पर डाला।